हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ राड़ी टॉप पे। और राड़ी टॉप में आज हमारा एक सरप्राइज रखा है आपके लिए, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ऐसे 3-4 दिन हो गए मेरा ब्लॉग नहीं आया है। ब्लॉग इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि एक्चुअली मैं वैक्सीन लगाए तो पूरी नाइट में सो नहीं पाया। वैक्सीन का असर इतना ज़्यादा था कि मुझे फीवर आया और पूरी बॉडी पेन हो रहा था, इसलिए 2 दिन हो गए। आज थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। तो गाइस, पूरे दिन भर में 50 वीडियोस बनाने के बाद कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं एक ब्लॉग को कंप्लीट करने में। और तब इतनी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद तब जाके एक ब्लॉगर कहता है कि भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना। लेकिन मैं खुद जानता हूँ कि मैं अभी तो न्यू स्टार्ट किया है, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं नए, मैंने अभी स्टार्ट किया और मुझे पता लग रहा है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना हार्ड वर्क है। तो गाइस, कीप सपोर्टिंग और चलो ले चलता हूँ आपको एक नए ब्लॉग की तरफ। वेलकम गाइस। ये है मेरी धन्नो जो आज के ब्लॉग में पूरा सपोर्ट करेगी। चलो इसका पर्दा हटा दें। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। हम निकलेंगे गंगोत्री वाले रूट पे तेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। ये किसका इलाका है? बनारसियों का। बनारसियों। तो गाइज, फाइनली हम जो है राड़ी टॉप पहुंच गए और मेरे साथ हैं मेरे बड़े भाई हरी भैया। और ये आपको बताएंगे कि राड़ी टॉप के बाद जो अगली सीमा प्रारंभ होती है, क्योंकि रवाई रेंज यहीं तक है भैया जी। तो रवाई रेंज के बाद मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इसके बाद कौन सा एरिया आगे पड़ता है। और इधर पूरे बांस के पेड़ हैं और बहुत ही ठंडा इधर होता है, बुरांस लगते हैं इधर सीजन के टाइम पे। बाकी मैं इससे ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा आपको, इसीलिए मैंने हरी भैया को साथ मिलाया है। तो इसके बाद हरी भैया आपको ज़्यादा बताएंगे। भैया थोड़ा सा आप मेरी इसमें हेल्प कीजिए। जी सभी दर्शकों का नमस्कार जी। हम पहुँच गए, हमारे यहाँ राड़ी टॉप में पहुँच चुके हैं हम लोग। हमारी जो है रवाई की सीमा ख़त्म हो चुकी है, अब हमारा जो है बनारसी क्षेत्र जो है शुरू हो गया। लेकिन ये इधर क्या बताते हैं इसका नाम, विधानसभा एक ही है ये जी, ऐसा जी, नहीं है बनारसी विधानसभा चिंगेली सोड़ हमारी एक ही है। लेकिन जो हमारी राड़ी की सीमा है ये हमारी अलग है। बहुत बढ़िया, ये रवाई अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो रही है और बहुत अच्छा मतलब रवाई का जो रिवाज है। लेकिन जो हमारा इधर जो है राड़ी सोड़ बहुत ही अच्छी जगह, बहुत खूबसूरत जगह है। खूबसूरती मतलब हेवन ऑफ अर्थ, मतलब स्वर्ग है एकदम, स्वर्ग के स्वर्ग से भी ऊंचा। बहुत बढ़िया, क्या बात कह दिया, दिल पे लग गई बिल्कुल। लेकिन स्वर्ग से भी ऊंचा है ये। तो ये हम आगे बाबा बोकनाथ के टिब्बे पे है, टिब्बे पे इलाके में बहुत ही खूबसूरत नजारा है। बाकी यहाँ पर जो है
कैंटीन भी है, मैं आपको कैंटीन दिखाता हूँ। तो गाइस ये राड़ी टॉप पे हैं 2100 मीटर। नमस्कार, क्या हाल है? बोला ठीक है, बढ़िया, घर में ठीक सब? चलो बहुत बढ़िया। और यहाँ पे राड़ी टॉप पे ये कैंटीन है, यहाँ पे हमारे मनवीर भाई बैठते हैं। और उग्रेश कहाँ घूम रहा? बोला देखो यार, छोटा भाई भी हमको मिल गया, ठीक है? तू हाय कर दे एक बार। हाय गिर हुआ है अपना छोटा भाई, नमस्कार, ठीक है? इधर ये भाई जी लोग हैं हमारे कैंटीन में। ये धारी कपनोल जाती है रोड, और बाकी गाइस हमारे आगे जा चुके हैं, 2100 मीटर की ऊंचाई पे हैं। तो गाइस आगे का सफर जो है, हरी भैया गाड़ी चला रहे हैं और मैं पीछे बैठ गया हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ब्लॉग का थोड़ा एक्सपीरियंस मुझे ज़्यादा है। मैं आपको इधर के नज़ारे दिखाऊंगा। और यहाँ पर हमारे जितने भी है पार्टी गाइस पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर पार्टी हो रही है, देखिए। तो गाइस यहाँ पे दो बाइक्स और दो कार ला रखी है, बाकी यहाँ पे जितने भी गाइस, कितने हैं टोटल? टोटल कितने यहाँ पे? बहुत बढ़िया गाइस, कम से कम 12 से 15 लोग यहाँ पर हैं। भाई जी नमस्कार, और नमस्कार, क्या हाल है? और ये जितने भी गाइस हैं यहाँ पे, हेलो नमस्कार, ठीक हो आप? और इसको हम पूजा कहते हैं, पूजा देने यहाँ पर आए हैं, और बिल्कुल आग जला रखी है। मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ कि गैस के खाने में और लकड़ी के खाने में कितना फ़र्क है। जो सुबह जब सुबह 5 बजे 6 बजे जब सूरज निकलता है ना, तो सबसे पहले जो 5 मिनट की जो रेस पड़ती है, अल्ट्रा वायलेट रेस, वो इन लकड़ियों पे पड़ती है। और जब इनका खाना हम खाते हैं तो हमारे अंदर वो अल्ट्रा वायलेट रेस की जो कण है अंदर चले जाते हैं, जिससे कभी भी सर्वाइकल पेन नहीं होता, यानी रीढ़ की हड्डी में कभी दर्द नहीं होगा। इसलिए पहले के ज़माने लोग बीमार नहीं होते थे, क्योंकि वो घड़े का पानी पीते थे, उस मिट्टी पर भी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और लकड़ी का खाना खाते थे, और लकड़ी के घरों में रहते थे। आज तो बस 60 साल भी नहीं जी रहा इंसान, क्यों? फैसिलिटी है कि नहीं? तो गाइज थोड़ी देर में आपको बताते हैं कि हमारा कहाँ तक पहुँचता है ब्लॉग। गाइज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से नियर अबाउट बॉक टिब्बा पड़ता है, यानी शिव जी भगवान का मंदिर है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर पूजा चल रही है, और यहाँ पर लोग मन्नतें मांगते हैं, अपनी मन्नत मांगने आते हैं, और सबकी मन्नतें पूरी होती है। शिव जी भगवान का यहाँ पर वहाँ से बताते हैं। ब्यूटीफुल व्यू आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, आप देखिए पहाड़ियों के ऊपर एकदम बादल छाए हुए हैं। और गाइस यहाँ पर इस पवित्र स्थल पे हम पहुँचे हैं, और यहाँ देखिए पंडित जी यहाँ पे जो है पूजा कर रहे हैं, और पूजा की प्रक्रिया चल रही है। और इधर यहाँ पर जो है भगवान को यहाँ पर एक अरदास मांगी गई थी, पूरी होने पे उनको प्रसाद चढ़ाया गया, जो कि यहाँ पर अभी सबको खाना दिया जाएगा। सरप्राइज़ क्या है कि आज यहाँ पे इन्होंने बकरा काटा है। ये अलग से दे। ओ मामा, ये देखो बहुत अच्छे हैं। बहुत ही गजब बना रखा है। कौन थे कारीगर? और जो यहाँ पर शेफ थे हमारे, ये मोहन भाई थे, और बहुत ही गजब इनके हाथ का टेस्ट ऐसा कि पूरा बाटे गांव रच जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? थोड़ा सा ठीक देवता भाई, माय तुम एक देवता के बारे में थोड़ा सा आप खासियत बताना चाहेंगे? थोड़ा सा न जान भाई, थोड़ा सा आप गढ़वाली में ही बोलिए, मैं कन्वर्ट कर दूंगा उसको। न जान मन भाई, मार्क्स न जय बोले बाबा, जय जय भगवान भोगनाथ, धन्यवाद बहुत। हरी भाई यहाँ पर बांटे लगाते हुए, बांटे बराबर लगाना है, कम ज्यादा मत करना। कम ज्यादा भी हो जाएगा कोई बात नहीं, कम काले बाहर में डाल तब कहीं। हां कोई बात नहीं। नीरज ठीक है ना? नीचे रोड रोड है, ये सब चढ़ी थी टुडे। ए बहुत सुंदर ये है, पोटा कर लीजिए। लो पहले इसको टेस्ट कर लो, ये पोटा कर लीजिए। लो दो, लो पकड़ो, खाते हैं महाराज, खाते हैं। एक दिन देरी हो गई, माते देरी चोकड़ी सब तन दे, सब तन डाल दे, सब तन देता है, सब तन डाल दे। तो गाइस पार्टी शुरू हो गई। पार्टी क्या कहेंगे इसको, मतलब ये है कि ठीक है घर से बाहर आए आप, थोड़ा नेचर के साथ क्या है कि माइंड फ्रेश भी हो जाता है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि आप लोग भी दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, और जितना हो सके नेचर का लुत्फ़ उठाइए। खाना पीना तो रोज़ चलता रहेगा यार। तो गाइस अभी हम खाना खाते हैं, फिर मैं आपको ब्लॉग आके कंटिन्यू करता हूँ। किसने फटाखे जी? हम तो टमाटर भी होल तो प्याज भी होल खाओ खाओ दबाओ
अरे स्वाद बढ़िया हाँ भाई तेरे को सारा स्वाद मजा आ रहा गुड। और हरी भैया बाजे आ रहा मजा बहुत मजा क्या डबल में जा रहा गाइस अब लेंगे मटन का पीस एक मजा खाने का दूसरा आ रहा ठंडे इलाके किसने बनाई 100 रुपये नाम मामा ने क्यों जी मजा आ गया मजा आएगा आप भी आओ नेचर का मजा लीजिए और साथ में अगर नॉन वेज हो तो मजा है कुछ और क्यों जी तो आगे मत खानो बढ़िया रहा है ना आगे कुछ अच्छा लगाने नहीं ये विनोद भी दे 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 ना तारी में हो गया मीठे मीठे जाते हैं अबे तो हम बाद में खाएंगे खैर तरपीस ना लो फिर खाने को खाने दे दे मेरे जस मेरे बात है खाए हैं ना खाते हैं ना खाते हैं ना खाते हैं देखो इधर ज्यादा खा लिया यार आराम खा लिया आराम से खा थक गया मैं खा खा चौथी बार क्या लगा रे राव जी तो कम खाया मीठ नहीं खाई जाती नहीं खाई जाती ठीक है सभी को देख दिखाता हूँ थोड़ा तो गाइस पार्टी समाप्त हो चुकी है खाना पीना हो गया दब के और अब हम यहाँ से चलेंगे आगे थोड़ा टहलने। तो गाइस राड़ी टॉप में खाना बहुत ज़्यादा खा लिया है मतलब ये बताइए आपकी ओवरलोडेड हो गया आधा किलो खा गया मैं तुझको बुलाए मेरे उत्तराखंड बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को उत्तराखंड पर।